शुक्र, मिल सकती हूँ? नहीं अभी नहीं, अभी वंडर ऑब्जर्वेशन है, आप थोड़ी देर में मिल लीजिएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है जी। तो फजूल में मुझ पर इतना गुस्सा हो रही थी। वो बंद करो। तुमने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी शानी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रमशा की आदत है कि वो घर से निकलते हुए आदल कुर्सी पढ़ के दम करती है। अल्लाह ताला ने उसे और बच्चे को महफूज रखा। आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। अरे डैड क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वो रमशा गिर गई है मोटरबाइक से, उसकी कोई तबीयत ठीक नहीं है। क्या रमशा मोटरबाइक से गिर गई? कैसे? वो ठीक तो है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? तफसील नहीं मैंने पूछी, बस वो जाना है उसकी तरफ। हाँ तो कौन से हॉस्पिटल में चलते हैं? ना हॉस्पिटल नहीं जाना, घर जाना है, बस जल्दी चलो तबीयत के पास। आइए आप आइए। अगर मैं घर नहीं जाऊंगी तो यकीनन अफनान मेरा इंतजार करेगा। वो मुझे कॉल करके मालूम करेगा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने भी सोच लिया है, मैं भी उसकी कॉल रिसीव नहीं करूंगी। आखिर उसे भी तो एहसास हो मेरा। मैं जब घर नहीं पहुंचूंगी ना तो परेशान होगा मेरे लिए। मैं ही क्यों खुद को हमेशा परेशान करूं उसके लिए? उसे भी तो तड़पना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल ठीक, परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने करम कर दिया, वरना जिस तरह गिरी थी रमशा मोटरबाइक से और बेहोश हुई थी, मैं तो बहुत डर गई थी। बस जी कासिम साहब, क्या कर सकते हैं हम? दो पहिए वाली सवारी का कितना कोई हम भरोसा कर सकते हैं? और डॉक्टर ने भी सख्ती से मना किया रमशा को बाइक के सफर से, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं रमशा के लिए गाड़ी लूं। एक दो दफा सोचा भी, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। सभी के लिए तो ये बाइक ही है, खतरा तो मोल लेना पड़ेगा। मैंने ना सदका दे दिया था रमशा का। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया जो है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस
अब एहतियात करें, आप लोग भी ख्याल रखें, और रमशा तुमने ख्याल रखना है बेटा अपना। जो डॉक्टर ने एहतियातें बताई हैं ना, उस पर अमल करना। अच्छा चाय का मैं लेकर आ। नहीं बेटा तुम बैठो, मैं बना के लाती। वैसे कासिम साहब सच पूछिए तो आज आपके आने की मुझे दिली खुशी हुई है। काफी अरसे के बाद आपका चक्कर लगा। जी रमशा की याद बहुत आती है और आना भी चाहता हूँ, बस आपने सोचा होगा कि हम गरीबों के घर क्या करेंगे आप जाके। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम सब बराबर हैं। ये मेरी गरीबी क्या होती है, मुसलमान तो एक दूसरे का खैर खा होता है, और अगर किसी को फजीलत भी है तो वो सिर्फ तकवे की बुनियाद पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या आला बात की है आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक। शानी बेटा रमशा का ख्याल रखना। मियां बीवी इसी तरह मुसीबत और मुश्किल में ही एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, साथ निभाते हैं। जी सुबह मुझे मेरे ऑफिस में आके मिल लेना, लेकिन यहाँ किसी को मत बताना प्लीज़।